या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 बैठे हैं, कौन से गम में डूबे हैं जो लोग नहीं बोल रहे हैं। आज ही परेशान करेंगे सभी लोगों को, दम लगा के सभी लोग जयकारा बोल दिया करें। और ये राजा राठौर भैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं श्रद्धा समर्पित हैं, प्रभु से मंगल कामना है। आइए दो शब्द परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित हैं। फिर बड़ी ही पावन चर्चा सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। धीरे धीरे आज कथा विराम दिवस की ओर आ पहुंची है और दो शब्द परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित हैं। फिर बड़ी ही पावन चर्चा है। सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, मांग में सिंदूर मैया समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। जिस समय एक बार की बात है, मैया सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, हनुमान जी महाराज ने
मैया सीता जी को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा है। मां मां जानकी जी से पूछा, भैया आप ये अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हो? भैया सीता जी ने समझाया है, लाला मैं मांग में सिंदूर इसलिए लगा रही हूँ कि राघव की दीर्घायु के लिए, इसे देख करके प्रभु प्रसन्न होते हैं। सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला। Oh, 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 oh
कुलदीप मंगल कामना है और ये अंकित भैया जी टड़ियावा से 100 मदरसा श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, प्रभु से मंगल कामना है। और ये वंदना यादव नवीपुर से 100 मदरसा श्रद्धा समर्पित है। और ये संदीप पाटिया जी निजामपुर से और ये रोहित पाल भैया जी बरगावा से 50 मदरसा श्रद्धा समर्पित हैं।
प्रभु से मंगल कामना है, भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। एक रोज सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमारी, आंख में चोने खेल का करने लगी विचार। रुक्मणी जी आंख में चोने का खेल खेलने लगी हैं अपनी सखियों के साथ में। उस खेल में आंख में चोने का खेल जो खेल रही हैं सभी सखियों के साथ में, उसमें होता ये था कि एक सखी की आंख मान ली जाती थी, एक सहेली की आंख बंद कर दी जाती थी और फिर वही सखी अन्य सखियों का पता लगाती थी। जो भी सखी पकड़ में आ जाती फिर उसकी आंख बांध ली जाती, फिर वो आंख बंद की दूसरे सखी का पता लगाती। सभी सखियां की आंखें बंद कर करके खेल खेल रही हैं, लेकिन कोई भी सखी रुक्मणी मैया को नहीं पकड़े पा रही है। अरे पुष्पेंद्र पाल मैया जी का द्वारा भीष्म ने सदा समर्पित है, अनुज पाल मैया जी के द्वारा भीष्म ने सदा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। और उसमें से एक सहेली की फिर आंख बांध दी जाती थी। और बीस मुद्राएं लाला राम पाल भैया जी ग्राम बिरुआ निजामपुर से समर्पित कर रहे हैं, प्रभु से मंगल कामना है, भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। घर में जब बिटिया कुंवारी होती है श्यानी, तो पिता को बड़ी ही चिंता होती है कि बिटिया का विवाह करना है। महाराज भीष्मक जी का जिस समय ये प्रस्ताव सुना है, सभी बैठे राज दरबार में, राज दरबारी लोग दूर दूर के राजा गणों के नाम बताने लगे हैं और दूसरे लोग उन्हें राजाओं की बड़ाई करके बताते हैं कि उनके राजा के अंदर कैसी आदत है, कैसा धन है, कैसा स्वभाव है। सभी उनका बखान कर रहे हैं, लेकिन महाराज भीष्मक जी को कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तब तक की महाराज भीष्मक जी का पुत्र बोल पड़ा है, रुक्मवीर ने अंत में कहा है देखा हाल, तात रुक्मिणी योगी है, हे नरेश शिशुपाल। महाराज भीष्मक जी के पुत्र ने जवाब दिया है, पिताजी हमारी बहन के योगी अगर देखा जाए तो सुंदर सा राजा हमारी बहन के सुयोग्य पर मेरा साला है। महाराज भीष्मक जी ने जैसे ये बात सुनी है समझाया है, अरे बेटा तुम पागल हो गए हो क्या, जिसकी बहन के साथ में तुमने विवाह किया उसी के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दोगे, ये तो उल्टा हो जाएगा।
महाराज भीष्मक जी ने उस बात को टाल दिया है। भीष्मक ने करी अनसुनी दिया उसे भी टाल, विनय सहित कहने लगा नपका छोटा लाल। छोटा पुत्र भी वहीं पर बैठा था, जवाब दिया है पिताजी हमारे भी मन में एक बात आ रही है, एक सुंदर सा राजा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी अपने हृदय का हाल कह दूं। महाराज भीष्मक ने कहा है कहिए पुत्र कौन तुम्हारी नजर में है। महाराज भीष्मक जी के श्याम ने दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है छोटे पुत्र ने पिताजी त्रिभुवन में जो है रतन पुरुष और पुरुषों में जो है रतन पुरुष उनसे ही शादी की प्रदान करें कल्याण करते रहें। छोटे पुत्र ने समझा करके जिस समय कहा है पिताजी मेरी तो समझ में ही आ रहा है मैं अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में करूं। छोटे पुत्र की बात सुनी है, प्रस्ताव सुना है, सुनकर इस प्रस्ताव को खुशी हुए नरपाल। बोले मेरे हृदय की कह डाली तूने लाल। कन्हैया के जैसे ही नाम सुना है तो महाराज भीष्मक जी बड़े ही प्रसन्न हो उठे हैं। बेटा तूने मेरे मन की मेरे हृदय की बात कह डाली है। अरे लाल बहादुर भैया जी का सब मदराय श्रद्धा समर्पित हो रहे हैं, प्रभु से मंगल कामना है। दोषों मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। प्रेमा जी के नाम से भाई दस मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। अरे सुनील भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। और ये गुड्डी देवी जी के नाम से गाड़ी प्रवास से 50 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। और ये जगपाल भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। महाराज भीष्मक जी ने जैसे ही अपने छोटे पुत्र की बात सुनी है बड़े ही प्रसन्न हो उठे हैं। और एक कोमल विश्वकर्मा बढ़िया जी का द्वारा श्रद्धा समर्पित है, प्रभु से मंगल कामना है। भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। आओ जल्दी जल्दी
प्रदान करें, कल्याण करते रहे। रुकुम ने सुंदर सा पत्र लिखा है अपने साले के लिए और पत्र में साफ साफ लिख दिया है बरात के 7 साल में यहाँ पर युद्ध भी करना होगा, इसलिए होशियारी से बरात लेकर के आना है। पत्र भेज दिया है चंदेली नरेश राजा को, पत्र मिला है, तैयारियों में लग गया है। इधर सभी सखियां रुक्मणी मैया करके बताया है, जवाब दिया है, एक बार आप पहले प्रसन्नता से बोल दीजिए कि मैं प्रसन्न हूं, और उसके बाद में तुम्हें बता रही हूं, अरे बहन तुम्हारा तो विवाह तय हो गया है, तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम है। और समझा करके सखियों ने रुक्मणी जी से बताया है, बहन समय समझा करके बताया है कि उस महावीर शिशुपाल ही से तेरा भी जोड़ा जोड़ा है। और ये शिवम पाल भैया जी नोएडा से 51 मदरसा का